आज मैं ऐसा ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिया है 1 कप चावल और चावल को मैंने 1 कटोरी से नापा है। ये आरवा चावल है जिससे हम डोसा वगैरह बनाते हैं, बस वही। और इसी के साथ ले लेंगे 1/2 कटोरी चना दाल। जितना हम चावल लेंगे उसका आधा हमें चना दाल लेना है। इसके बाद ले लेंगे उड़द दाल। चना दाल से आधा लेना है उड़द दाल, मतलब 1 कप चावल, 1/2 कप है चना दाल और 1/4 कप उड़द दाल। और यही इसका परफेक्ट रेशियो है। अब एक बड़ा सा बाउल में सारे चावल और दाल को डाल देंगे। अब इसमें दे देंगे पानी और पानी देके इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 बार अच्छे से इसे वॉश कर लेना है पानी बदल बदल के। तो लीजिए ये अच्छे से वॉश हो गया है। अब इसमें पानी डाल देना है भर के और पानी डालने के बाद इसे 3 से 4 घंटा तक भिगो के छोड़ देना है। देखिए मैंने ऊपर तक पानी दे दिया है। भीगने के बाद ये बहुत ही फूल जाती है और मैंने इसे ओवरनाइट तक भिगो के छोड़ देंगे। मैंने काले चने 1 कप लिए हैं, इसे भी एक बॉल में डाल देती हूँ और इसके अंदर भी पानी देके अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसका सारा पानी छान लेना है। तो लीजिए ये अच्छे से वॉश हो गया है। अब इसमें पानी डाल के इसे भी रात भर भिगो के हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है और फूलने के बाद इसका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है। अब इस दाल और चावल को दे देंगे मिक्सिंग वाला जार में। ये दाल चावल का स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसे 2 बार में हम पीस लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। इसका जो पेस्ट है हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और एकदम पानी जैसा पतला भी नहीं रखेंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए। और इसे बिल्कुल दरदरा ना पीसे, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है और दरदरा पेस्ट हमें नहीं बनाना है, तो इसीलिए मिक्सी को थोड़ा ज़्यादा देर चलाना है। देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही स्मूथ हुआ है। अब इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से अंदर में एयर भर जाएगा, उससे ये अच्छे से फूलेगा भी। तो लीजिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब एक फॉयल पेपर से अच्छे से ढक देंगे। आपके पास फॉयल पेपर ना हो तो आप कोई एयर टाइट डब्बा में भी पैक करके इसे रख सकते हैं और इसे कम से कम 2 घंटा ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर दे देंगे 2 से 3 टेबलस्पून करीब सरसों तेल और इसके अंदर दे देंगे कच्चा जीरा 1/2 टीस्पून, 1 छोटी इलायची और 1 सूखी लाल मिर्च। आप सरसों तेल के बदले में रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें दे देंगे लंबाई में चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस उतना तक ही इसे फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें दे देंगे मीडियम साइज़ के चॉप किया हुआ आलू। आलू को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। प्रेशर कुकर में सब्जी बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। मैंने इधर एक मीडियम साइज़ के टमाटर, 5 से 7 कलियाँ लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को पेस्ट बना लिया है। अब इसे भी इसमें डाल देंगे और पेस्ट को आलू और प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाला। 1/2 टीस्पून करीब नमक दे देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। आप सारे मसालों को एक साथ 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे। मसाला पकाते समय फ्लेम को हाई नहीं करना है। तो लीजिए अब 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब हमारा मसाला अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड करेंगे चना जो मैंने पहले ही भिगो के रखा था। अब इसमें दे देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और चना को मसाला और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट तक मसाला के साथ इसको चलाना है।
अब इसमें दे देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी देने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब जितना ग्रेवी खाना पसंद करोगे उतना ही पानी इसमें आप ऐड कर सकते हो। पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 सीटियां आने तक पकाना है। अब इसमें सीटियां आने लगी हैं और 3 सीटी देने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए पूरी तरह से ये ठंडा हो चुका है। आप प्रेशर कुकर के ढक्कन को ओपन कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऊपर से हमारा सब्जी। अब ऊपर से दे देंगे चॉप्ड धनिया पत्ता और इसे हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, नहीं तो इसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अब जो आलू है उसे हल्का सा मैश कर लेंगे। 2-4 आलू के पीसेस मैश कर देने से सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। तो हमारा टेस्टी आलू और चना की सब्जी है बिल्कुल रेडी। अब 2 घंटा हो चुका है। अब ये फॉइल पेपर को ओपन कर लेती हूँ। दाल और चावल को पीस के डायरेक्ट नहीं बनाना है, कम से कम 2 घंटा तक रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देना है। तो अच्छे से फूल गई है ये। अब फिर से इसको थोड़ी देर फेंट लेंगे। ये हल्का सा ठीक हो गई है तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखना है और इसे बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। फिर से 3 मिनट तक मैंने इसे फेंट लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसे फेंट लिया है। तो एकदम परफेक्ट बैटर बनके हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ मसाला हम ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च और 5 से 7 कलियां लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है, इसे इसके अंदर दे देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून कच्चा जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे देंगे और बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये सब को बैटर के साथ कर लेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स। ये सब से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। एकदम परफेक्ट हुआ है हमारा बैटर, ऐसे ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें दे देंगे 1 करछी बैटर। करछी हमारा बड़ा साइज़ का है तो इसीलिए इसको पूरा भर के हम बैटर नहीं दिया है, और गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे फ्राई करना है। बैटर को ऑयल में देते ही इसके ऊपर ऐसे हम गर्म तेल डालेंगे और हमारा ढुसका तुरंत फूल जाएगा। ये रेसिपी का नाम है ढुसका। ये झारखंड के फेमस रेसिपी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब इसे पलटी कर देती हूँ एक चम्मच की मदद से और हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। गर्मा गर्म इसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ऊपर से ये होता है बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जालीदार। तो देखिए ये हल्का सुनहरी कलर हो गया है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस में मीडियम फ्लेम में सारे ढुसका को हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। और जो ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए मैं कम तेल वाला रेसिपी भी बता दे रही हूँ। गर्मा गर्म पैन में पानी स्प्रिंकल करके दे देना है और कॉटन से पोंछ लेना है, जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। और बैटर दे के डोसा जैसा एक डायरेक्शन में घुमा के इसको स्प्रेड कर देना है। नॉर्मल डोसा से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ऊपर से दे देंगे ऑयल। आप चाहो तो ऑयल के बदले में ऊपर से बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इसमें धीरे धीरे ब्राउन कलर आ रहा है। जैसे ही ऊपर से ब्राउन कलर दिखेगा ये अपने आप तवा को छोड़ने लगेगा। और देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर आया है इसमें, एकदम क्रिस्पी बनी है ये। पहले हम ढुसका को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ढुसका खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे घर पर ज़रूर बनाएँ। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो घर वाला आपसे बार बार ये रेसिपी बनवाएंगे ज़रूर। एक ही नाश्ता से आप अगर बोर हो गए हैं तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट बना लीजिए। अब मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर से पूरा क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जालीदार। देखिए देख के ही आप समझ गए होंगे। ऐसे तो सूखा खाने में ही इसको अच्छा लगता है,
पर आप इसे आलू की सब्जी या काले चने की सब्जी के साथ ऐसी मजा ले सकते हो। तो लग रहा है ना अंदर से खूबसूरत, तो चलिए आप भी इसे फटाफट घर पे बनाइए और अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अब मैं सर्व कर लेती हूँ वही बैटर से बना हुआ डोसा। देख के ही आप समझ गए होंगे कि बहुत ही ये क्रिस्पी बना है। आप इसे चटनी के साथ मज़ा ले सकते हैं या कोई सब्जी के साथ भी इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने चना की सब्जी बनाई हूँ तो उसी से ही इसको टेस्ट कर लेती हूँ। आप इसे चटनी सांभर के साथ मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।